केजरीवाल ने तो हमारे साथ सहयोगी पूजा बनी हुई है जयपुर से। पूजा, देखिए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ले तो यूं तो 12 सीटों पर चुनाव है, लेकिन अलवर की सीट हो, बीकानेर की सीट हो, कुछ ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट बन चुकी है और मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल, हॉट सीट कई सीटें हैं जिनमें जयपुर शहर सीट भी आती है। जयपुर शहर सीट की मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ यहाँ पर चारुल, क्योंकि देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास को किस बेस पर मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने पहले यहाँ से सुनील यहाँ पर पहले प्रत्याशी थे जिनको टिकट दिया था, लेकिन उनका आरएसएस के मंच का एक विवादित वीडियो सामने आया जिसके बाद उन्होंने विड्रॉ किया और फिर उसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास को मौका दिया। देखिए, एक चुनाव आयोग का और एक्सपेरिमेंट है जो मैं तमाम दर्शकों को बता दूं। देखिए, ये जो पेपर है, इस पेपर का नाम है ईडीसी। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो समझ लीजिए। चुनाव आयोग इस बार जिस तरीके से पहली बार जो वोट कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट दे रहा है जयपुर के अंदर, तो ईडीसी ला करके ऐसे एम्प्लॉयज जो कि मान लीजिए जयपुर शहर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं लेकिन उनकी ड्यूटी किसी और पोलिंग बूथ पर लगी हुई है, उनके पोलिंग बूथ पर नहीं लगी, तो ईडीसी चुनाव आयोग की तरफ से उन तमाम एम्प्लॉयज को ये राइट देता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जिस भी पोलिंग बूथ पर उनकी ड्यूटी लगी है वो सेम प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं। चारुल।